नमस्कार, मैं एसपी शुक्ला आप सभी बच्चों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रत्येक दिवस आपकी सेवा में यह क्लास शाम को 4 बजे मैं लेकर के हाजिर होता हूं। इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के पार्ट में हम देखेंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस, ऐसे 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अब देखिए, पहला प्रश्न तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रश्न तो आसान है, जॉन डाल्टन ने किया था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कब किया था, किस वर्ष में किया था, तो आपको बताना चाहूंगा वर्ष 1803 ईस्वी में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, जिसको एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, जैसे कि आपने देखा कि संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से निर्मित है, इन सूक्ष्म कणों को ही परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है, इन सब के बारे में आप जानते हो। तो आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति कहने का मतलब होता है केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, केमिकल नेचर किस पर निर्भर करती है, यानी डिपेंड किस पर करती है, इसके बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है। तो किसी भी तत्व की या किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी होगा। लेकिन बच्चों आपके मन में एक प्रश्न दूसरा ये आ रहा होगा कि आखिर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो बताना चाहूंगा किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध बनाने में सहायक। आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, बॉन्ड बनाने में जो सहायक होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन से होते हैं उन्हीं के साथ जो एक रिलेशन बनता है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर लाते हैं, बिल्कुल प्यार से स्क्रीन पर आ चुका है आपके थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामान्यतया देखा जाए तो प्रकाश के लिए 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने तरीके के, 3 तरीके के रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक तो हो गया, पहला आप नोट कर लीजिए, सोडियम लैंप। कौन सा लैंप भैया, सोडियम लैंप। और उसके बाद दूसरा हो गया आपका मरकरी लैंप, सोडियम के बाद हो गया मरकरी लैंप। और उसके बाद तीसरा आपका आता है प्रतिदीप्त लैंप। तो देखो, 3 तरीके के लैंप का या 3 तरीके के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ये जो सोडियम लैंप होता है ये पीली एवं एकवर्णी प्रकाश है। कैसी है, पीली एवं एकवर्णी। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था पीले लैंप के बारे में, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम में। अच्छा, बात कर लेते हैं मरकरी। मरकरी में क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, श्वेत नीलाभ। कौन सा होता है, श्वेत नीलाभ प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। प्रतिदीप्त प्रकाश या प्रतिदीप्त लैंप जो होते हैं इसमें सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो आपको मिल ही गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। अब यहां पर बात ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको यदि आप खुले में रख दोगे, यानी ओपन करके रख दोगे, तो ये जलने लगेगी। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। आपको दिख रहा है सोडियम, सोडियम का जो है फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, Na होता है। फिर दिख रहा है पोटेशियम, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। अब देखो भैया, यहां से एक चीज तो पकड़ो, पहले सोडियम जो है और पोटेशियम ये धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, यानी हाई रिएक्टिव होती हैं। कैसी होती हैं, हाई रिएक्टिव होती हैं। कौन कौन सी धातुएं, सोडियम और पोटेशियम, ये हाई रिएक्टिव होती हैं। ये खुले वातावरण में रखने पर आग
की तरह जलने लगती हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, जैसे कि इसमें आग ना लगे। तो देखो एक सही है, दो सही है, लिथियम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, एक और दो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां बना लीजिए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक और दो हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको बना बनाया मिलेगा, एक और दो हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार के बाद क्वेश्चन नंबर पांच पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तांबा जो आपने देखा होगा, तांबा, तो तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कॉपर जिसको कहते हो, तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु होता है। कैसा होता है, एक्टिव मेटल है, इसीलिए यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन जो होता है विद्युत अपघटन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा आयस्कों को प्रसंस्कृत करके उनमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध व अलग किया जाता है। तो कई मर्तबे पूछा जाता है किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर पांच के बाद क्वेश्चन नंबर छह पर। क्वेश्चन नंबर छह आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली आधातु है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, तरल अवस्था, तो मित्र यहां पर आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन ब्रोमीन, ब्रोमीन जिसको हम शॉर्ट में BR से डिनोट करते हैं, एकमात्र अधातु है, यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पहली चीज, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों तथा औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल ही गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें पर। क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के, ये प्रश्न कई मर्तबे पूछा गया है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपको इसका आंसर भी पता होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली अलौह, अलौह कहने का मतलब, देखो यहां पर अलौह कहने का मतलब क्या होता है, नॉन फेरस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नॉन फेरस है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसीलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम का प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियां, तार, बर्तन, पेंट, फॉइल आदि के निर्माण में भी किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आठवां, इस सेशन का प्रश्न नंबर आठवां आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बचपन में बहुत अच्छे से मुझे यह प्रश्न याद था, तैयार था जब मैं कक्षा आठ में था। तो देखो बिल्कुल ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का नाम आपने सुना ही होगा, क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। देखो मित्र, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करके पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज, सब्लिमेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं। तथा इस क्रिया को, ये जो पूरी क्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि किसको किसको शुद्ध किया जाता है, तो पहला कपूर, दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा अमोनियम क्लोराइड, कई सारे प्रश्न इसी तरीके से बन जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठवें के बाद। क्वेश्चन नंबर नौवां आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इसमें से देखना है कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, कागज को फाड़ना, बात करेंगे कागज को फाड़ने की। अगर आप कागज को फाड़ेंगे तो निश्चित रूप से कागज को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। अब देखिए, जब कागज को फाड़ देंगे तो तुरंत जोड़ा नहीं जा सकता है,
अब जोड़ा नहीं जा सकता, यानी कागज के फटने से उसके भौतिक स्वरूप जो होती है यानी आकृति और माप में परिवर्तन हो जाता है, ना कि कागज के रासायनिक गुणों में। तो भौतिक परिवर्तन है, कागज को फाड़ना, यह क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हुआ, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा आगे देखो, इसमें दिया रंग में परिवर्तन होना। अब भैया अगर रंग में परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाने दो, ये क्या हो जाएगा? केमिकल हो गया आपका। कागज का जलना, कागज जलेगा तो उससे कुछ ना कुछ दहन क्रिया निकलेगी, ऊपर जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, ये रासायनिक। आपसे पूछा क्या जा रहा है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक। फिर से आप सुन लीजिए, कारण क्या है इसका, कारण समझ लीजिए। निश्चित रूप से जैसे आपको पता है कि कागज को फाड़कर उसे पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कागज के फटने से उसके भौतिक स्वरूप आकृति और माप में परिवर्तन होता है, ना कि कागज के रासायनिक गुणों में, यानी उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता, लेकिन लेकिन एक चीज होता क्या है, उसका जो भौतिक परिवर्तन है हो जाता। जैसे मान लो ऑपरेशन होता है, ऑपरेट किया जाता है किसी चीज को, तो ऑपरेट करने पर क्या होता है, चीजें बदल तो जाए, हैं सामान वही रहेगा लेकिन ऑपरेट करने बदल जाता है। एक तरीके से आप पहले यह समझ जाओ कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, पदार्थ की आकृति, माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था, जैसे आप देखेंगे ठोस, द्रव एवं गैस में परिवर्तन, ये सभी आपकी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, और उत्क्रमणीय भी होता है, रिवर्सिबल भी होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। एक सबसे जो अनोखी बात निकल के आती है इस परिवर्तन में कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि केमिकल में क्या होता है, दो मिलेंगे तीसरा निर्माण होगा, वहां केमिकल परिवर्तन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया जाए कि जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारकों को हटा देने पर उनमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था यानी प्रीवियस स्टेट को प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इसको यही कहा जाता है। अच्छा थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, क्योंकि उनमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होती है, जबकि रासायनिक संरचना में भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। जबकि अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया दूध का स्कंदन हो गया ना, यानी मिल्क जो होता है, स्कंदन मतलब जैसे दूध जम जाता है, उस तरीके का जो होता है, दूध का दही बन जाना एक तरीके से, आप जैसे खाते हैं दही खाते हैं, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। कागज का फटना तो भौतिक हो जाए, लेकिन कागज जलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं कुछ ना कुछ जो हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति में कुछ ना कुछ आप व्यवस्था लाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ये रासायनिक हो जाएगा। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस तरीके से रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न बन सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर है। मित्रों, ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे मित्र जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरीके से जैसे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 10वें पर चलते हैं सेशन के। क्वेश्चन नंबर 10वां रसायन विज्ञान का कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा कथन गलत है उस पर आपको बताना है। देखिए आइए बात करते हैं, उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक, गलनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, तथा क्वथनांक जो होता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो निम्न होता है, किसका, कार्बनिक यौगिक पदार्थों का। तो ये तो कथन बिल्कुल सत्य है, ये प्रॉपर्टीज है, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा अगर अच्छे बच्चे रहे होंगे तब। अगला देखो, वे जल में घुलनशील नहीं है, यहां बहुत अच्छी बात दिया, बिल्कुल ये सामान्यतया जल में अघुलनशील होते हैं, यानी इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। वे सहज ज्वलनशील नहीं है, यहां देखो एक पॉइंट ये गलत दे रहा है, ये सहज ज्वलनशील नहीं होते। मित्र बताना चाहूंगा, कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतया कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी होते हैं, इसी के कारण कार्बनिक यौगिक जो होते हैं सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी निर्मुक्त करते हैं, यानी रिलीज करते हैं,
इसीलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो यही हो गया ना, वे सहज ज्वलनशील नहीं होते, बिल्कुल ये गलत है, वे सहज ज्वलनशील होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभार मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है। बचपन में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट को पहले बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, जैसे दिया है मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। इसी तरीके से मेथेन के बाद क्या आता है, एथेन आता है, एथेन का क्या होता है, C2H6 होता है, यह भी याद रहना चाहिए आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेथेन एथेन, फिर उसके बाद आता है प्रोपेन, प्रोपेन का क्या होता है C3H8 होता है, C3H8 होता है, किसका होता है ये, प्रोपेन का, प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होता है C4H10 होता है, C4H10 ये किसका होता है, ब्यूटेन का होता है। तो देखो इसमें दिए हुए यही मेथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, मेरे ख्याल से तो पहला ही ऑप्शन हो गया क्या, मेथेन CH4 उसके बाद एथेन C2H6 बिल्कुल, प्रोपेन हो गया आपका C3H8, ब्यूटेन हो गया C4H10, यही हो गया बिल्कुल ऑप्शन, यही मिल गया आंसर। जी 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 बिल्कुल एकदम सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। देखिए ये बढ़ता हुआ अनुक्रम है, बढ़ता हुआ अनुक्रम का मतलब कि सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखो कार्बन यहां पर एक यौगिक, ऐसे देख लो, अगर आपको मैं नॉर्मली सिखाता हूं, देखो कार्बन एक, यहां पर कार्बन दो, यहां पर कार्बन तीन, यहां पर कार्बन चार, यहां पर हाइड्रोजन चार, यहां पर हाइड्रोजन सिक्स, यहां पर हाइड्रोजन आठ, यहां पर हाइड्रोजन दस, चार छह आठ दस, एक दो तीन चार, बढ़ता हुआ क्रम है ना, पहले इत्ता फिर इत्ता फिर इत्ता फिर इत्ता हो जाता है, यही तो हो गया आपका आंसर, ए इज द राइट आंसर। मित्र बताना चाहूंगा हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पहली चीज तो ये आप समझ जाओ क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वे, या हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं, ये ईंधन व स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, प्लास्टिक रेसे रबर विस्फोटक औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में भी ये प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ है। एक बार सभी बच्चे थंब का निशान दें, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज एक बार थंब का निशान दें, आप सभी बच्चों के लिए ही ये क्लास रखी गई है, आपकी आगामी सभी परीक्षा, चाहे आप PCS के लिए हैं या आप लेखपाल के लिए हैं, UPSI के लिए हैं या BEU मेंस के लिए हैं या RO AR की परीक्षा के लिए हैं, आप सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। बाकी हमारे यहाँ प्रवेश प्रक्रिया भी और भी सब्जेक्टों में चल रही हैं, आप TGT PGT के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और भी हमारे जो भी आगामी परीक्षाओं के बैचेज हैं उनके लिए भी आप संस्थान के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं लिख देता हूं एक बार, 94-15-800-659 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आइए बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। अब देखो कार्बन के बारे में देखना कि कार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं, ऐसा नहीं है, सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती हैं। जैसे कहावत आपने सुना होगा कि सभी स्त्रियां मां होती हैं, लेकिन सभी मां किसी की पुत्री नहीं हो सकती या स्त्री नहीं, जो बहुत सारे कारण बनते हैं, आपने सिलॉक्स में पढ़ा होगा, उस तरीके से ये प्रश्न है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं, यह गलत है, बल्कि अगर ये दिया होता कि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती तो सही हो जाता। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जबकि विद्युत संवहन
के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, इसलिए अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। यहां दिया है अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, बिल्कुल ये सही है, यानी केवल और केवल आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मित्रों? ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब, बाकी और सब क्या है? गलत है। आइए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? वाह गजब का, बहुत अच्छा है प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम हो जाते हैं? तो यहां दिख रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। पाव रोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर क्या मिलाया जाता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिसको टार्टरिक अम्ल कहते हैं, कॉर्न स्टार्च का मिश्रण होता है, वह कॉर्न स्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। जबकि बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसलिए लिख लो मेरे साथ भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बनिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम या स्पंजी हो जाते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, या गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है, यह अज्ञात गैस कौन सी है? ऐसी सिचुएशन में जब इस तरीके का होता है तो उसमें अमोनिया गैस पाई जाती है। कौन सी? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है NH3। अमोनिया NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया के जलीय घोल को मिलाकर अमोनिया कहा जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया करके सफेद धूम्र के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl गैस उत्पन्न करती है, जो ठंडी होने पर अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टलों यानी ठोस रवेदार संरचना में बदल जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। एक प्राकृतिक बहुलक है, एक प्राकृतिक बहुलक है, तो देखो इसमें दिख रहा है आपको ऑप्शन बी सेल्यूज। सेल्यूज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि बैकेलाइट यहां पर आपको दिख रहा है, पीवीसी, नायलॉन, ये सभी जो हैं ये कृत्रिम बहुलक हैं। आपसे पूछा जाता है कृत्रिम बहुलक और प्राकृतिक बहुलक, तो वहां से भी आप जानते रहिए कि कृत्रिम बहुलक क्या होता है और ये क्या होता है। पहली चीज तो आप ये समझ जाओ बहुलक क्या होते हैं, पॉलीमर जिसको कहते हो, तो पॉलीमर उच्च अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो सरल अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोजन की यह क्रिया प्रक्रिया जो होती है बहुलीकरण कहलाती है, जिसको पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबर, सेल्यूलोज आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो कृत्रिम अथवा संश्लेषित बहुलकों का भी निर्माण किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी, ये सभी कृत्रिम रबड़, ये सब कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पूछ रहा था कि एक प्राकृतिक बहुलक है, तो सेल्यूलोज क्या है, ये प्राकृतिक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो भारी मोटर वाहन होते हैं उसमें ईंधन के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, जैसे जब लंबी देर तक गाड़ी चलती है उसमें ईंधन का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत भी होती है। भाई पेट्रोल खाएगा तो ज्यादा खा जाएगा। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने के कारण और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसीलिए कम गति से भी उच्च टार्क उत्पन्न करता है, जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टार्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष यानी एक्सिस के चारों ओर घुमाने में प्रयुक्त किया जाता है। भारी वाहनों के इंजन जो होते हैं, डीजल इंजन का दबाव अनुपात जो होता है कंप्रेसिव
रेशियो जो होता है वो पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ईंधन की बचत भी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है क्योंकि, देखिए पानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है। आपको बताना चाहूंगा यहां देखिए, पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे के आग घुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनता रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ आग घुलनशील होते हैं और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनकर जलता रहता है, इसीलिए आप देखते हैं ना ऐसा होता रहता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तत्व वह जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, उर्वरक मतलब समझते हैं ना, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरकों में मुख्यतः दो प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, एक तत्व को हम कहते हैं स्थूल पोषक तत्व, क्या कहते हैं लिख लीजिए चाहे हमारे साथ आप, स्थूल पोषक तत्व, और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वहां पर MACR होता है, यहां पर MICR होता है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम ये समझ जाते हैं कि स्थूल पोषक तत्व जो होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इसमें नत्रजन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि आते हैं, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इसके अंतर्गत बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलीब्डेनम, जिंक, सेलेनियम, ये सभी आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है हमने बता दिया, क्या नहीं पाया जाता भैया, यहां देखो हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, बाकी नाइट्रोजन भी पाया जाता है, क्लोरीन भी पाया जाता है और फॉस्फोरस भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगती है, यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बैठोगे, उठोगे, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है, इसलिए कि जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है, इस प्रकार जल का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप होने पर ही उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है, इसीलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक जो होता है नीचे आ जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20वें पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20वां, 40 क्वेश्चन की सीरीज में से हम आधवें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो एक बार सभी थंब का निशान दें, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है, तो विस्फोटक नहीं है, कौन सा विस्फोटक नहीं है, क्लोरोफॉर्म आपका विस्फोटक नहीं है, बाकी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटाई टालुइन भी विस्फोटक है, और इसके बाद दिख रहा है साइक्लोट्राइनाइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रो एथिलीन RDX, ये भी क्या है आपका विस्फोटक ही है। क्वेश्चन कह रहा था विस्फोटक नहीं है तो कौन नहीं है भैया, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है। अब देखो जो छपाई होती है, छपाई का मतलब आप समझते हो ना,
जो प्रिंटिंग होती है, एक तरीके से प्रिंटिंग की बात करें, जी छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो बताइए। बिल्कुल मीथेन एक जो है, यहां पर ऑप्शन बी दिख रहा है, मीथेन। अभी भी फॉर्मूला बताया था CH4। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटा टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़े बनाने में प्रयुक्त होती है। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22वां आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोट का कारण है? किसके विस्फोट के कारण की बात हो रही है? TNT, तो टालुइन को सांद नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्या कहते हैं HNO3, ये तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है। सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खदानों में विस्फोट करने के लिए भी किया जाता है या अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। क्या होगा फ्रेंड्स? अमोनियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सीमेंट के रासायनिक घटक हैं, देखिए सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ, बाइंडर और एधेसिव है, जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चूर्ण के रूप में होती है जो जल के साथ मिलाने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सीमेंट जो है वो है पोर्टलैंड सीमेंट है। कौन सी सीमेंट है? पोर्टलैंड सीमेंट है, जिसका निर्माण निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर के बनता है, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा। चूना पत्थर अर्थात इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। उसके बाद चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का मतलब आप समझते हैं क्ले, बचपन के दिनों में बहुत क्ले खेलते थे। अच्छा, सिलिका, इसी में सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है, सिलिका यानी SiO2। जिप्सम दिया है, कभी कभी जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लेता है, बहुत कठिन होता है, याद कर लीजिए CaSO4 into 2H2O। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का फॉर्मूला है। एल्यूमिनिया, एल्यूमिना वैसे होता है, एल्यूमिना होता है Al2O3। आयरन ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3। ठीक है ना? बिल्कुल Fe2O3 का प्रयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। सन्नाटा नहीं जाना चाहिए, एक बार बच्चे थंब का निशान दें, एनर्जी बढ़ाएं, अपनी भी और हमारी भी एनर्जी बढ़ाएं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24वां आपके स्क्रीन पर है। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का उपयोग किया जाता है? किसमें? रासायनिक फनल की बात हो रही, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका कठोर कांच। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? कठोर कांच। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। किसको? पोटास लाइम कांच जो होता है उसी को कठोर कांच भी कहा जाता है, या सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों तथा अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है, इसीलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों, बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली आदि के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 में पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। बिल्कुल ऑक्सीजन तथा हीलियम यहां पर दिख रहा है, साथ में गोताखोर जो होते हैं जिसको डाइवर्स कहते हैं। डाइवर्स DIVERS, बिल्कुल। चलिए जो भी है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा हमको अच्छा नहीं है, इंग्लिश हमको बहुत नहीं है, फिर भी जो भी है मेरे ख्याल से सही है। डाइवर्स के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैस मिश्रणों का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायुदाब को दबाव कम करता है, इसलिए तकनीकी गोताखोर जो होते हैं यानी टेक्निकल डाइवर्स जो होते हैं के द्वारा लंबी दूरी एवं अधिक गहरे समुद्र के गोताखोरों के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। बताइए वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैसों का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे गुरु जी वायुयान में टायर कहां होता है, वायुयान तो उड़ता है। मेरे बच्चा बताना चाहूंगा, टेक ऑफ लैंडिंग जब उड़ान भरता है ना तो पहले दौड़ता है। किस पर दौड़ता है, वो टायर पर ही दौड़ता है। तो उड़ान भरते समय तथा उतरते समय वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो ज्वलनशील होती है तथा टायर में प्रयुक्त होने वाली रबड़ के अनुकूल होती है, इसीलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक सुरक्षित माना जाता है, समझा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो टायर होते हैं ना स्कूटी में या फिर बाइक में या फिर मोटरसाइकिल में या ट्रैक्टर में, जो भी गाड़ी है आपके पास, साइकिल है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें जो हवा भरते हो कौन सी हवा होती है, जरा कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 26 का यानी सही जवाब क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी नाइट्रोजन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें के बाद क्वेश्चन नंबर 27वें पर आपके सामने। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी बात कर रहा है, हैलोजन की। क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा यहां पर आपको फ्लोरीन दिख रहा है। बिल्कुल इन हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की अगर बात करूं, इन चारों की बात स्पेशली अगर किया जाए तो सबसे खतरनाक अभिक्रियाशील जो है वो कौन सी है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। हैलोजन समूह में 6 तत्व शामिल है, पहले उन 6 तत्वों के बारे में लिख लो भैया, चलो लिखो, आप लिखो मेरे साथ, लिखो फ्लोरीन हो गया, चलो F हो गया, लिखता हूं स्टार्ट में, ठीक स्टार्ट में लिखता हूं फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हो गया ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद हो गया आपका आयोडीन, आयोडीन के बाद आयोडीन नमक मत समझ लेना, ठीक है। आओ आगे पांचवें पर एस्टेटीन होता है, यानी एटी लिखा जाता है, और उसके बाद हो गया आपका आयोडीन हो गया, एस्टीन हो गया, एक कौन सा बच रहा है यार, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, हाँ एक और होता है जो कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, कौन सा होता है, कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, भगवान बना देते हैं, कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व होता है। आयोडीन तथा एस्टेटीन ठोस अवस्था में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में होता है। आयोडीन तथा एस्टेन जो होता है, ये एटी और आयोडीन, ये जो दो है ना, ये 4 और 5 नंबर, ये ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो कौन है भैया, ऑप्शन ए फ्लोरीन, कौन सा फ्लोरीन, वैसे फ्लोरीन अलग होता है, फ्लोरीन लिखो ज्यादा अच्छा है मेरे भैया। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 28वें पर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस, वाह
अश्रु गैस के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, बताओ भैया कैसे किया जाता है। अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइए अश्रु गैस जिसको टीयर गैस बोलते हैं, बिल्कुल टीयर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयर मतलब रोना वाला, रोने वाला गैस। टीयर गैस में अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। यह मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन उत्पन्न करती है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस हैं। बहुत सारी ऐसी अश्रु गैस हैं जो बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है। इसको जानते हुए चलिए, अमोनिया हो गया NH3। आगे बढ़ जाएं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? क्या कह रहा क्वेश्चन? निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है तो बताइए, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल, इसमें से वह कौन सी गैस है जो निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है, यानी पर्यावरण में जो बहुत कम प्रदूषण फैलाती है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल, आप समझ, मिट्टी का तेल समझ रहे हो, डीजल देख ही रहे हो करता ही है, कोयला कोयला ही है, तो भैया कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर का उत्सर्जन होता है, इसीलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी और आंतरिक दहन वाले इंजनों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़े, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। सीरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30? सीरा मोलासेस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? कैसा माल है? कच्चा माल है। अब देखो, अगर वह कच्चा माल है तो उसमें जो है किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो बताइए आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट करके जल्दी बताइए। ग्लिसरीन, यूरिया, एल्कोहल या फैसफिक? क्या होगा? बिल्कुल एल्कोहल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एल्कोहल। सीरा मोलासेस शहद के समान एक गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ है जो चीनी के निर्माण के दौरान उप उत्पाद के रूप में होता है। सीरा में सुक्रोज के रूप में 50-55% शर्करा पाई जाती है, इसीलिए यह एल्कोहल एथिल एल्कोहल के निर्माण में एक उत्तम कच्चा माल माना जाता है। 1 टन एथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए लगभग 5.6 टन सीरा की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्यतः अगर आपसे कभी कभी देखिए एल्कोहल ना देखा जाए, डायरेक्ट नाम लिख से देख, कौन सा नाम होगा? एथिल एल्कोहल। कौन सा? याद कर लो, एथिल एल्कोहल। चले, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आओ भैया चलो क्वेश्चन नंबर 31 पर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? अब इसमें से कौन सा सत्य है यह बताना है। DDT रोगाणुनाशक। DDT किसका है? रोगाणुनाशक है क्या? नहीं, किस चीज का है बताओ फिर। TNT कीटनाशक। वाह, आंसर तो आ गया हमारा, TNT कीटनाशक है, यह तो सत्य है। RDX कीटनाशक दे रहा है ना, RDX का मतलब समझते हो, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, DRX जिसको शॉर्ट में कहा बोला जाता है, क्या नहीं, RDX बोला जाता है शॉर्ट में, RDX एक गंधहीन, स्वादहीन, श्वेत रवेदार ठोस है। कैसा है ये? रवेदार ठोस है। रवेदार मतलब समझते हो, क्रिस्टलिंग सॉलिड जो होते हैं उसको कहा जाता है रवेदार, जिसे विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहां दिया है कि इसका कीटनाशक के प्रयोग ना, इसका कीटनाशक के लिए नहीं, अभी भी ये प्रश्न आया हुआ था, मैंने बताया हुआ था, लेकिन सब भूल जाता है आप लोगों को। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है भैया? याद कर लिया करो एक बार में, विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज कब की गई थी कभी कभी पूछा जाता है, तो भैया लिख लो, वर्ष 1898 हाँ 1898 में, किसके द्वारा? अब देखो नाम है फ्रेडरिक हेनिंग, लिख लो मेरे साथ नाम
वैसे नाम पूछता नहीं है, फिर भी लिख लो, फ्रेडरिक हेनिंग। कभी कभी पूछ भी सकता है फ्रेडरिक हेनिंग कहां के थे भैया, जान लो। ज्यादा तक जो केमिस्ट थे ना, वो सब जर्मनी वाले थे, जर्मनी के ही थे, ये भी जर्मनी द्वारा की गई थी, परंतु इसका प्रयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। पूछा हुआ प्रश्न है कि RDX जो कि एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोज वर्ष 1898 ईस्वी में फ्रेडरिक हेनिंग ने, जर्मनी के निवासी ने किया, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? खोजा तो 1898 में गया था, लेकिन आपने पता किया होगा, अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, इतिहास थोड़ा बहुत आता होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा है कि इसका जो प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसका रासायनिक नाम कभी कभी पूछा जाता है साइको, अभी अभी आया भी था वैसे, इसको जो बहुत बड़ा सा नाम था उसी को पढ़ देता हूं, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन। क्या नाम है भैया इतना बड़ा नाम? साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन। समझ में आया कि नहीं? इसके अन्य कई नाम है, जैसे साइक्लोनाइट, शॉर्ट में लिख दिया जाता है साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन इसी को कहा जाता है, एवं T4 आदि नाम से जाना जाता है। तो भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, कीटनाशक की बात करा, सत्य घटना, तो सत्य तो ये वाला ऑप्शन बी वाला है, TNT कीटनाशक दिया है। बिल्कुल, TNT का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जबकि RDX का जो प्रयोग होता है ये एक विस्फोटक के रूप में होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32वां आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसमें किया जाता है? यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो पहले कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो आप मेरे साथ यूरिया का केमिकल फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? CONH2 2, ये क्या होता है? यूरिया का रासायनिक नाम है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन, आपने लेते हुए देखा होगा यूरिया में लिखा रहता है ना नाइट्रोजन N2O, नाइट्रोजन कितने परसेंट? 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। यह एक रंगहीन एवं गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया का प्रथम बार प्रयोग कब किया, यह भी कभी कभी पूछा जाता है। तो यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला वर्ष में 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं, देखिए क्वेश्चन कह रहा था किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसका प्रयोग? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन से बहुलक प्रयुक्त किए जाते हैं? आपने देखा होगा जो आर्मी में होते हैं, जो सीमा पर जवान हमारे होते हैं, उनको जो है बुलेट प्रूफ जो है मिलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है, तो उसमें पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। यह एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक है जो बिस्फेनॉल ए यानी डायसार्ट में लिखा जाता है BPA तथा फॉसजीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34वें पर। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है आपको बताना है। तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहां पर दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर बात करोगे नाइट्रिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल के जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? HNO3
HNO3 का मतलब इसमें क्या क्या पाया गया, H का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन, ठीक। तो नाइट्रिक अम्ल में क्वेश्चन क्या कह रहे थे, ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो बताओ नाइट्रिक अम्ल में पाया जाता है कि नहीं, कितने पाए जाते हैं, तीन, अच्छा HNO3। फिर दिख रहा है दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ऑक्सीजन पाया जा रहा है बिल्कुल। अगर बात करें हम यहां पर दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए HCl होता है, क्या होता है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो ही पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एक और दूसरा क्या है क्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है। यानी इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन देखा कि आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि इस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए मित्र, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, दहन एक है। अब देखो दहन क्या है, जैविक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया, इसमें से कौन सी अभिक्रिया को पूर्ण कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, दहन की बात की जा रही है, दहन जिसको कंबस्टन कहते हैं, COMBUSTION, कंबस्टन, इसमें बी साइलेंट भी कई लोग कर लेते हैं, कई लोग साइलेंट नहीं करते हैं, जिसको प्रज्वलन कह लीजिए, बर्निंग एक तरीके से, क्या हो गया बर्निंग, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दहन सामान्यतया तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री, कम्बस्टिबल मटेरियल जो होता है, ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतया हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी क्रिया है ये, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल, ठीक। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 35 के बाद, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 36, साधारण तापमापी थर्मोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। अब जो थर्मोमीटर होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता के बारे में आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उच्च संचालन शक्ति, उच्च विशिष्ट उष्मा, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 में का सही जवाब बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च संचालन शक्ति। पारा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है ये, विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के कारण कई सारे हैं, जैसे आपने देखा होगा अपारदर्शी एवं चमकदार होना, अंकित ताप के पठन में सुविधा, उष्मीय चालकता उच्च होना, अतः शीघ्र ही ताप क्या होता है अंकित करना, कांच पर नहीं चिपकना, अधिक वाष्पशील नहीं होना, ये सभी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये साबित किया जा सकता है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 के बाद, क्वेश्चन नंबर 38 पर, कौन से दो आधारभूत बल, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स उपलब्ध करा सकते हैं, बताओ कौन अट्रैक्शन बल साबित कराता है भैया, अट्रैक्शन फोर्स की बात की जा रही, तो दो न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन तो भैया एकदम न्यूट्रल होता है, जान नहीं होती फिर भी जान आ जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा किसके कारण होता है, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स और नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, दो बल कार्य करते हैं, कौन कौन से, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, इससे क्या होता है उनके अंतर आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से दो आधारभूत बल, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स उपलब्ध करा सकते हैं, तो गुरुत्वीय और नाभिकीय, यानी आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। आगे बढ़ जाएं, आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, बताओ क्या कहलाते हैं, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो
समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये न्यूमेरिकल पूछा जाता था, मुझे याद है 9th-10th की कक्षा में ये पूछा जाता था। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान, परमाणु संख्या समान मतलब समझ रहे हो ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर इक्वल है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के, किंतु द्रव्यमान संख्या एटॉमिक भार जो होता है वेट, एटॉमिक वेट या एटॉमिक द्रव्यमान भार, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक नहीं पढ़ा है? तो इनको क्या कहा जाता है मित्र? समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक हैं, इनके कौन से समस्थानिक हैं, इनको आपको जानते हुए रहना है। बाकी वैसे आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39वां आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? अब जो दिए गए पदार्थ हैं इसमें से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, यही बताना है। बताइए किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी न्यूट्रॉन नहीं होता है बाकी सब होते हैं। कौन सा पदार्थ है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम। जल्दी से बताइए, आप सभी का कमेंट आना चाहिए। बोलिए, बिल्कुल गलत जवाब आ रहा है, बिल्कुल हाइड्रोजन होगा मेरे लाल, हाइड्रोजन होगा। बहुत सोच समझ के जवाब दिया करो। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार जो होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे छोटा होता। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यार से गलत कर दिया। प्यार से जवाब देना करो, दिया करो भैया। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी भी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40वें पर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है, आज का इस सेशन का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती? लो, करती है नहीं, नहीं करती, ये लो, यानी अभिक्रिया करेगी लेकिन बनाएगी नहीं। चलो बताओ, पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम या लिथियम, कौन सा होगा ऑप्शन? बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए, आप बच्चे भी कमेंट किया करो। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, कैडमियम। सभी क्षारीय धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं परंतु इनका आयनन विभव जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, वो हाइड्रोजन से अधिक होता है। जबकि कैडमियम सीडी जिसको कहते हो, शॉर्ट में क्या कहते हो, सीडी, देखने वाली नहीं, सीडी का आयनन विभव जल से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। आयनन विभव तथा आयनन ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है जो किसी उदासीन परमाणु न्यूट्रल या न्यूट्रल एटम के सबसे शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक होते हैं। कैडमियम का उपयोग बैटरी एवं टेलीविजन के निर्माण में तथा नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक क्षणों के रूप में किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आशा करता हूं कि आज का सेशन जिसमें हमने केमिस्ट्री की बात किया, यह पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी भी ऐसे हमारे मित्र, ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसका पीडीएफ आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट लक ऑल ऑफ।